नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसको लेकर आज पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। जदयू के प्रदेश पदाधिकारी की आज मीटिंग हुई है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उमेश कुशवाहा सहित प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में आगे की रणनीतियों पर चर्चा की गई है, लेकिन अब जो अंदर की खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें जनता दल यूनाइटेड के नेता इस कार्यकारिणी की बैठक में भड़क गए। बैठक के आगे की परियोजनाओं पर चर्चा की जा रही थी, इसी दौरान एक वरिष्ठ सदस्य भड़क गए। मीटिंग के दौरान वे ऐसे भड़के कि सारे लोग अवाक रह गए। दरअसल अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के सामने कई सवाल खड़े हो गए और उनसे सवाल भी पूछा गया कि क्या जनता दल यूनाइटेड अब भी RCP मॉडल के हिसाब से चलेगा, अब भी मूल पार्टी की जगह प्रकोष्ठ को अहमियत दी जाएगी, मूल पार्टी क्या करेगी यह बताएं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी इस बात को लेकर इच्छा जाहिर की कि आने वाले दिनों में नए सिरे से पार्टी को विस्तार किया जाएगा, लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष ने मंच संचालन कर रहे दूसरे उपाध्यक्ष से तल्ख तेवर में सवाल पूछा है और कहा है कि आप कौन होते हैं, हमें 2 मिनट का समय देने वाले। दरअसल लगातार ये चर्चा हो रही थी और जब मंच से सभी नेता अपनी बातों को रख रहे थे और 2-2 मिनट का समय दिया गया था, इसी दौरान वो भड़क गए। आपको पिछले दिन RCP सिंह के उन बयानों को याद कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमने 43 प्रकोष्ठ बनाए हैं और वो प्रकोष्ठ घटकर 20-22 हो गए, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जवाब दे कि ये प्रकोष्ठ घट क्यों रहे हैं, प्रकोष्ठों को बढ़ाया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर आज फिर से चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष निहोड़ा प्रसाद यादव ने मीटिंग के दौरान ही जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं पर भड़के हैं। भड़कने का कारण पार्टी के अंदर की नीति रही है। मुख्यालय प्रभारी मृत्युंजय कुमार सिंह मीटिंग में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में बता रहे थे और प्रकोष्ठों को लेकर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान निहोड़ा प्रसाद यादव ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन सभी जो वहाँ कर्मचारी थे, सभी जो पदाधिकारी थे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के, उन्होंने उन्हें रोका और उसके बाद वो भड़क गए और खड़ी खड़ी सुना दी कि पार्टी के अंदर जो रवैया चल रहा है वो कतई सही नहीं है। पार्टी के अंदर जो घमासान की स्थिति पहले से RCP ने जताई है वो अब साफ तौर पे जग जाहिर है, यानी जदयू के अंदर अब भी वो नेता मौजूद हैं जो RCP के समर्थन में खड़े होते रहे हैं और RCP सिंह का समर्थन करते रहे हैं। तो अचानक से जदयू के कार्यकारिणी की बैठक में भारी हंगामा हो गया और RCP मॉडल पर खास तौर पे चर्चा होने लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।